Hey guys, what is up and welcome back to my channel Star by Kushal. Hope you all are doing good. आज के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक प्रॉपर मोटो व्लॉगिंग सेटअप. एंड यस गाइज, इफ यू आर यूजिंग अ GoPro देन कौन कौन सा चीज लगता है परफेक्टली मोटो व्लॉगिंग करने के लिए, वीडियो में वही सब देखने को मिलेगा. गाइज, मैं यूज़ करता हूँ GoPro Hero 9 और मैं कोई ऑनलाइन से ख़रीदने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पिछले वाला वो लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे साथ क्या स्कैम हुआ है. मतलब SD कार्ड को लेके फ्लिपकार्ट में मैंने 4 बार ऑर्डर दिया और 4 बार ही गलत माल आया. तो और मैं रिस्क इसका नहीं ले सकता हूँ, तो आई एम गोइंग नाउ टू द कैमरा वाला गली जो मेट्रो गली है कोलकाता में चांदनी चौक में, वहीं पर हम जाएंगे. और मौसम कुछ अच्छा नहीं है, अभी बारिश हो रहा है बहुत कोलकाता में, तो मोटो व्लॉगिंग हम कर नहीं पाएंगे. ऐसे में रेन में कैमरा का लेंस में बहुत पानी आता है तो फ़ायदा नहीं होता है, अच्छा नहीं आता है. तो हम एक ही बारे में जाएंगे वहीं पे. दोस्त फोटोग्राफर है तो उसने मुझे सजेस्ट किया, उधर रैशनल बोल के एक दुकान है, तो हम पहली बार जाएंगे उधर और जाके वहीं से हम खरीदेंगे जो मेरा मोटो व्लॉगिंग के लिए ज़रूरत है. और गाइस, एक बात आप लोगों को सभी को बता देता हूँ, सामने एक ट्रिप प्लान हो चुका है हमारा, नॉर्थ सिक्किम पे है वो, गुड़गम्बर लेक, यमथंग वैली, 0.TSF. ये सब हम करने वाले हैं बाइक में. और इसी मंथ में जो है जुलाई का 29th हम निकालने वाले हैं. तो गाइस, ये अपडेट आप डाल लीजिए. और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज गो एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज आई एम अ न्यू कंटेंट क्रिएटर एंड आई नीड योर सपोर्ट. वैसे भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है भाई, 323 सब्सक्राइबर्स हो गया है, 1 महीना 10 दिन हुआ है बस, और इतना सपोर्ट मिल रहा है. वीडियोस भी 1.2K 3K तक व्यूज है कुछ वीडियोस में, अच्छा लग रहा है भाई. और वीडियो बनाने में भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि अभी ऐसा है कि मेरा जो सब व्यूअर्स है, नया व्यूअर्स है वो आप लोग सभी लोग मुझको टेक्स्ट करते हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जो मेरे करीबन दोस्त है कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, नेक्स्ट वीडियो कब आएगा. तो मतलब आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है मेरा वीडियो देखने में, यह बात बहुत ही अच्छा लगा. तो गाइज, आई एम गोना मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल. और आगे जाके भी पूरा जो ट्रिप होने वाला है सिक्किम का, वो भी मैं पूरा एक मोटो व्लॉगिंग के सेटअप पे होगा. और उसी लिए मतलब इतना जल्दी मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, पर अभी जब ट्रिप कर रहे हैं तो मुझको सब कुछ एकदम 100% चाहिए. तो क्योंकि बहुत मेरा वीडियोस में सिर्फ एक ही इशू आ रहा था, सभी लोग एक ही बारे में कंप्लेन कर रहा था, वो नॉइज आ रहा था, बहुत विंड नॉइज आ रहा था, साउंड में डिस्टर्ब आ रहा था. मतलब मेरे पास कोई एक्सटर्नल माइक नहीं है, शूट विथ ओनली विथ माय GoPro माउंटेड इन माय हेलमेट, क्योंकि मुझको मालूम नहीं था कि GoPro को लेने के बाद हमको ये सब भी खरीदना पड़ता है. मेमोरी कार्ड भी मेरा कम था, मेमोरी कार्ड भी हमको SD कार्ड भी नहीं मिला था, वो स्कैम हो गया था पूरा फ्लिपकार्ट में. तो जाके आज हम मेमोरी कार्ड भी खरीद लेंगे, तो सब कुछ खरीदेंगे जो जो लगेगा, और आप लोगों को दिखा देंगे सब कुछ. भाई थोड़ा सा जुकाम आ गया है, सर्दी है, तो इतना मुझको एक्सक्यूज़ कर देना कि वीडियो में अगर ये साउंड आ जाए तो प्लीज़ सॉरी गाइज. तबीयत बहुत ही ख़राब था एक हफ्ते से, मैं बहुत मतलब फीवर था, हाई फीवर 100 to 103 degrees, तो मैं उठा नहीं. तो गाइज मतलब बहुत ही ख़राब था, अभी जाके थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ. बहुत प्रिपरेशन करना पड़ेगा, गाड़ी का काम है, गाड़ी में बहुत चीज़ें लगाना है, फॉग लाइट्स वगैरह, सैडल स्टे, ये लगेज बैग खरीदना है, क्योंकि हमने पहले बाइक ट्रिप किया नहीं इतना दूर तक. ज़्यादा से ज़्यादा वही मंदारमोनी, दीघा और मौसुनी आइलैंड एंड बाकुड़ा फकुड़ा, ये सब साइड में आसपास में 100-200 किलोमीटर तक गए हैं. तो ये वाला राइड पूरा 1700 किलोमीटर का होने वाला है, बहुत ही हाइपर राइड होने वाला है. और मौसम भी उतना अच्छा नहीं है, मानसून पूरा है अभी पूरा मानसून चल रहा है. सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द राइड गाइज. आप लोगों को भी सपोर्ट चाहिए भाई, इतना सब कुछ कर रहे हैं, जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ पूरा व्यू करना वीडियो लास्ट तक, और क्या लाइक मार देना एक अगर अच्छा लगे तो वीडियो, बस यही बात है. और गाइज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहीं पे मैं सब अपडेट देता हूँ. और जब तक टूर भी आ जाएगा और 25 days लेफ्ट फॉर द राइड, तो वहीं पे भी मस्त मस्त पिक्चर आने वाला है, सब इंस्टाग्राम में दूंगा. गाइज डू फॉलो मी देयर, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और स्क्रीन पे भी मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है. सो गाइज वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, जाते हैं उधर खरीदते हैं, और जो भी होगा मैं घर आके फिर वीडियो कर दूंगा क्या क्या लेना पड़ा, कितना किसका दाम पड़ा, सब कुछ. सो वीडियो इज़ फॉर देम ऑल्सो, जो लोग नया GoPro लेके मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं और उन लोगों को मालूम नहीं है. बहुत सारे लोग मुझको पूछते हैं कि भाई ये किससे शूट कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है. भाई मुझको खुद मालूम नहीं था, मैंने पूरा YouTube देखा, इंटरनेट सर्च किया, फिर जाके मुझको मालूम पड़ा कौन सा क्या दाम है, कौन सा क्या किया है.
फिर भी ऑनलाइन से वहीं पे 200 रुपये भी होगा तो कम मिलेगा, ये हमको मालूम है क्योंकि वो होलसेल मार्केट है। तो गाइज जाते हैं उधर, फिर सब कुछ खरीद के घर आते हैं, फिर सेटअप करेंगे, दिखाएंगे कितना क्या दाम है, किसका कितना क्या पड़ा, कौन सा कंपनी का लिया, सब कुछ दिखाएंगे। उसके लिए वीडियो पे बना रहे और वीडियो पूरा तक देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, थोड़ा शेयर कर देना दोस्तों के बीच में अगर कोई इंटरेस्टेड हो क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और गाइज क्या ही बताओ, सब्सक्राइब भी कर देना थोड़ा, एंड मैं लौटते ही फिर वीडियो करता हूँ। चलिए One eternity later. So guys, अभी हम आ चुके हैं घर और दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या हमने खरीदा है पूरा सेटअप के लिए। पहले दिखा देते हैं सबसे जो कम में मिला हमको, ये है गोरिल्ला पॉड एक, तो ये गोरिल्ला पॉड है और ये मतलब उसका फ़ोन और कैमरा ये सब लगाने के लिए, इसका होल्डर है इधर माउंट, और ये है रहा, ये बहुत ज़रूरत था हमको क्योंकि फ़ोन हाथ में लेकर वीडियो करना में बहुत दर्द होता था और दूर मतलब ये बहुत दूर तक जाएगा, स्टैंड जैसा भी काम करेगा ये ऐसे करके। तो ये मैं सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ, अभी इस पे ही फ़ोन लगा कर वीडियो करना है। ये सब चीज़ मैंने आज खरीदा है और फ़ोन लगा दिया मैंने वो गोरिल्ला पॉड पे ताकि मैं अनबॉक्सिंग कर सकूं क्योंकि कोई कैमरा तो करने वाला है नहीं। ये रहा मेरा कैमरा, ये मैंने आज नहीं खरीदा है, ये तो इसे ही मोटो ब्लॉगिंग होता है। ये मेरा GoPro Hero 9 है ब्लैक, देख सकते हो, इसको मैं साइड पे रखता हूँ। सबसे पहले आता है ये है मेरा SD कार्ड, SanDisk का जो अल्ट्रा है वो 64 GB वाला है। मैंने बहुत ढूंढा 128 GB पर मुझको मिला नहीं और सब लोग बोल रहा कि 128 से 64 दो टो खरीद लो तब भी अच्छा है क्योंकि एक अगर मेमोरी कार्ड कभी भी क्रैश हो जाए तो दूसरा तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीज़ हमको ठीक लगा, सही लगा, हमने कभी सोचा नहीं था। ये मैंने और अब पहले ही बता देता हूँ, जितना भी प्रोडक्ट है सब मैंने खोल के वहीं पे चेक कर लिया था क्योंकि हमको बार बार जाना नहीं है, तो इसलिए ये भी खुला है तो आपको सब कुछ दिखा रहा है। ये वाला 64 GB वाला मेमोरी कार्ड है, ये अल्ट्रा वाला है तो इसका हमको पड़ा वहीं पे 650 रुपीज़ इसका, ठीक है। ये रहा मेमोरी कार्ड। तो आते हैं नेक्स्ट आइटम पे, ये है माइक, एक्सटर्नल माइक, ये है बोया का, मैंने लिया है BY-M1 इसका जो मॉडल नंबर है, ये देख सकते हो BY-M1, तो इसका मैंने लिया इस क्योंकि यही सबसे ज़रूरत था मेरा मोटो ब्लॉगिंग में क्योंकि इसके लिए जो एक्सटर्नल माइक नहीं था इसके लिए बहुत विंड नॉइज़ आता था और ऑडियो में प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे कि गाइस आप लोग सब लोगों ने, तो यही कंप्लेंट, बस एक ही कंप्लेंट था मेरा वीडियो में कि ब्रो आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, साउंड ठीक नहीं है, तो लाइक इसके बाद और नहीं होगा प्रॉब्लम। दिस इज़ द माइक्रोफोन और ये मेरा पड़ा 700 रुपीज़, इसको मैं खोलता हूँ अभी, मतलब कम दाम में सही माइक है। इसमें मिल रहा है हमको एक 3.5 mm एक्सटर्नल जैक और मिला हमको ये पावर परचेस में क्या है माइक। ओके सो गाइस बहुत सारा मतलब बहुत लंबा तार है इसका, वायर है, बहुत लंबा तार दिया गया है। ये वाला जैक है, दिस इज अ माइक, ये दिया गया है स्पॉन्ज माइक के नॉइस कैंसिलेशन के लिए और यहाँ पे एक अडेप्टर भी है। इसको कैसे क्या यूज़ करते हैं हमको देखना होगा, आई रियली डोंट नो, डोंट हैव एनी आइडिया। इसमें देखो गाइस एक स्विच भी दिया हुआ है, कन्वर्टर आपको दिखा देते हैं, देख रहे हो, तो ये माइक में हमको बस यही दोनों चीज़ मिली। तो इसको कर देते हैं साइड, फिर नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट, दिस वन इज द GoPro माइक अडेप्टर, मतलब GoPro में ना कोई जगह नहीं है डायरेक्ट 3.5 mm प्लग करने के लिए। आप लोगों को मैं, जो लोग GoPro यूज़ करते हैं उन लोगों को मालूम है, जो लोग नहीं करते उन लोगों को दिखा देते हैं। ये है GoPro का डोर, जो खुलने से क्या मिलता है देख लो। ये रहता है बैटरी, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट और यहाँ पे मेमोरी कार्ड डालने का जगह, बस और कुछ जगह नहीं है पूरा कैमरा में। तो ये रहा मेरा माइक अडेप्टर GoPro का, इसको भी खोल लेते हैं देख लेते। दिस इज द GoPro माइक अडेप्टर, यू कैन सी इसमें कुछ मैनुअल वगैरह दिया हुआ है,
So here it is. This is the GoPro mic adapter. ये USB में आता है. ये जो GoPro का मतलब माइक अडाप्टर है, इसका मेरा लिया 3,990, that is 4,000 rupees. ये माइक अडाप्टर का दाम है. ये चार्जिंग पोर्ट वहीं पे लगेगा शायद, देखना होगा. तो अभी के लिए ये अगर कैमरा में यहाँ पे हम लगाए, यहाँ पे हम लगा दे इसको इसके अंदर में, और यहीं पे माइक भी डाल दे तेरे, इसमें रहता है ये माइक का और चार्जिंग का, तो इसको अगर डाल देते हैं इसमें और यहीं पर लगाते, तो इसको हेलमेट में तो ऐसे मतलब हैंगिंग करके हम नहीं यूज़ कर सकते ना, उसके लिए लगता है एक केस, कैमरा माइक माइक्रोफोन अडाप्टर सब कुछ होल्ड करने के लिए. तो उसके लिए मैंने लिया है ये वाला फुलन जी का GoPro Hero 9 के लिए है, फर्स्ट केस फॉर GoPro 9. देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है. ये एक है शटर कवर, मतलब लेंस कवर. ये दिया हुआ है एक लेंस गार्ड. ये रहा मेन केस, मेन फ्रेम केस हमसे लिया 900 रुपीज़ टोटल ये सब मिला के. अब दिखाते हैं आपको कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है. इसका ऊपर एक डोर है, मतलब ये पीछे वाला एक डोर है और साइड वाला एक डोर है. गाइस ये कैमरा है, इसको लगाने के लिए इसका जो स्टॉक डोर है वो हमको ओपन कर देना पड़ेगा, इसको खोल देना है, इसको बस ऐसे ऊपर में खेलना है और ये खोल जाता है, ठीक है. ये ओरिजिनल वाला है, इसको हम साइड में रख देते हैं. गाइस इसको खोलना मुझको नहीं आता था, मैंने थोड़ा देख लिया. इसको ऐसे राइट में प्रेशर देके ऊपर से चापने से ये वाला डोर भी खुल जाता है. अभी जाके कैमरा इसका अंदर डालते हैं. वो डाल लिया, डोर एकदम ऑफ कर देते हैं. चलो ये आ गया इधर का, और इसको भी यहाँ से लगा देते हैं. तो भाई हो गया, केस के अंदर कैमरा आ गया, पूरा फ्रेम है. ये हीरो 9 के लिए है, सब मॉडल के लिए अलग अलग कवर आता है. तो अभी जाके हमको लगाना है ये चीज़. तो भाई सो ये भी सेट हो गया, ठीक है. यहाँ पे क्लिप रहता है, वहीं क्लिप से हो जाता है. ये हो गया पूरा सेटअप. अभी लगाना है माइक्रोफोन अडाप्टर. गाइस इसको इधर से पूरा सेट कर देना है, ये जाके यहाँ पे सेट हो जाएगा. और इसको ये चार्जिंग केबल की जगह अडाप्टर गोज देना है हमको. हाँ चलो हो गया, अच्छा लग रहा है बहुत. ओके तो यहीं पे माइक भी सेट करना है. ये आ गया माइक, ये हो गया कैमरा सेटअप कंप्लीट. अब ये माइक को हमको हेलमेट के अंदर पैडिंग के अंदर घुसाना है, वो हम बाद में करेंगे. बाकी सिर्फ एक चीज़ रहता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि हमको ट्रिप में ले जाना है GoPro को. और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 1 से 1.5 घंटे के ज़्यादा GoPro का बैटरी चार्ज नहीं देता है, 4K में रिकॉर्डिंग होता है सब कुछ. तो ये रहा डुअल बैटरी चार्जर प्लस बैटरी हीरो 9 ब्लैक के लिए, मतलब इसके साथ हमको ये चार्जर मिला, बैटरी चार्जर, ये एक और एक्स्ट्रा बैटरी, एक बैटरी तो इसके साथ आता है. इसमें हमको मिला एक बैटरी और एक चार्जर, इसको खोलते हैं. सो दिस इज द थिंग, ये चार्जर है बैटरी का GoPro. One thing guys I must say that GoPro and its accessories
ऑल थिंग्स लुक सो डैम प्रीमियम। दाम भी बहुत ज़्यादा आता है, वो ठीक है, चीज़ बहुत प्रीमियम दिखता है, बहुत ही प्रीमियम दिखता है। इतना छोटा सा चार्जर वो बहुत प्रीमियम दिखता है, पूरा रबड़ फिनिश है नीचे में, तो इसको कैसे चार्ज करना पड़ता है। इसमें कैसे आता है, हमको मिला है एक यूएसबी केबल, एक ये चार्जर और एक ये एक्स्ट्रा बैटरी। हीरो 9 का बैटरी भी बड़ा आता है बाकी GoPro से। इसको इधर डालना है ऐसे, और ये इधर वो टाइप सी का चार्जर आपको डाल देना है, फिर इधर एक लाइट है, इधर से चार्ज हो रहा है वो दिखाई देगा। इसको थोड़ा चार्ज में डाल के देखते हैं कैसे होता है। ये वही USB कॉर्ड है जो इसके साथ दिया है, डाल देते हैं अंदर, देखते हैं चार्ज हो रहा है। ये देखो लाइट जल रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है बैटरी। ये एक साथ डुअल बैटरी चार्जर है, दोनों बैटरी का एक साथ चार्ज ले सकते हैं आप, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्लॉगर लोगों के लिए। इसको ना हम जब ट्रैवल करेंगे इसको पावर बैंक से चार्ज दे देंगे, तो फिर मेरा कोई वीडियो करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड इसका आपका कॉस्ट आया 4,600 रुपीज़, 4,600 रुपीज़ इसका कॉस्ट है आपका, 4,600 रुपये, 4,600 रुपीज़ फॉर दिस चार्जर एंड वन एक्स्ट्रा बैटरी। सिंपल बैटरी आप सिर्फ बैटरी लेंगे तो वो 2,000 के करीब, 1,900 के करीब आता है, तो मतलब 4,600 मतलब 2,926 रुपये चार्जर का दाम है। तो दैट्स ऑल, दिस वाज होल थिंग व्हिच आई बॉट टुडे, एक बैटरी चार्जर, वन एक्स्ट्रा बैटरी, वन माइक्रोफोन, वन केस कैमरा केस, वन माइक्रोफोन अडैप्टर एंड मेमोरी कार्ड और वो ट्राईपॉड जो कि बहुत ही ज़रूरत आने वाला है आने वाला दिन में। फ़ोन हाथ में लेकर वीडियो करना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत दर्द लगता है, हाथ ग्रिप भी ठीक से नहीं आता है, दूर से भी मैं दिखा नहीं पाता हूँ। तो दिस आर द होल थिंग्स एंड आई एम ऑल रेडी फॉर माई नेक्स्ट ट्रिप एंड द नेक्स्ट मोटो व्लॉग्स। अभी हेलमेट में जाके वो माइक लगाएंगे और देखेंगे। तो गाइज दिस आर ऑल द थिंग्स विच यू नीड इफ़ यू आर हैविंग अ GoPro एंड यू आर अप फॉर मोटो व्लॉगिंग। दिस इज द मेन सेटअप यू विल नीड, वन केस, वन माइक अडाप्टर, वन माइक्रोफोन एंड द मेमोरी कार्ड, दैट्स इट, एंड ऑब्वियसली द GoPro। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।